हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर फिफ्थ। ओके, आज हम आपको बताएंगे बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर फिफ्थ का सिलेबस कि इसमें कितनी यूनिट हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं। ओके, देयर आर 8 यूनिट, इसमें कम से कम 8 यूनिट हैं और यूनिट वाइज हम आपको अब टॉपिक बताएंगे। ओके स्टूडेंट, कोर्स वन थ्योरी, सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, बीए थर्ड ईयर सोशियोलॉजी। ओके, और जो आपका कोर्स टाइटल है, कोर्स टाइटल है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट। ओके, क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट ये आपका कोर्स टाइटल है। ओके, अब बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर फिफ्थ में आपके कौन कौन से यूनिट हैं और क्या क्या टॉपिक हैं इसके। ओके, यूनिट फर्स्ट में आपका टॉपिक है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ओके, इमर्जेंस का मतलब क्या होता है, समाजशास्त्र का उदय। ओके, इंटेलेक्चुअल सोर्सेस, बौद्धिक स्रोत, एनलाइटनमेंट, प्रबोधन, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का दर्शन, पॉलिटिकल हिस्ट्री, राजनीतिक इतिहास, सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट, सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलन। ओके, सोशल, सामाजिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, रिफॉर्म मूवमेंट, सुधार आंदोलन। ओके, रिवॉल्यूशन, क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। ओके, दीज आर द टॉपिक्स इन फर्स्ट यूनिट। तो आपके ये फर्स्ट यूनिट के टॉपिक हैं। ओके, कौन कौन से हो गए, समाजशास्त्र का उदय, बौद्धिक स्रोत, प्रबोधन, इतिहास का दर्शन, राजनीतिक इतिहास, सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलन, क्रांति, फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति। ओके, अब आती है आपकी यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड के क्या क्या टॉपिक हैं अब वो जानते हैं हम। ओके, ऑगस्ट कॉम्टे नंबर वन टॉपिक है इसमें, ऑगस्ट कॉम्टे पॉजिटिविज्म, ऑगस्ट कॉम्टे सकारात्मकवाद। ओके, द हायरार्की ऑफ साइंसेस, हायरार्की ऑफ साइंसेस का मतलब क्या होता है, विज्ञान का पदानुक्रम। ओके, नेक्स्ट है लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, तीन चरणों का नियम।
ओके। नेक्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर सोशल इवोल्यूशन, हर्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक विकास एंड सोशल डार्विनिज्म, सामाजिक डार्विनिज्म, ओके, जो सामाजिक डार्विनवाद होता है वो है इसमें। तो आपको यूनिट सेकंड के भी टॉपिक समझ में आ गए, ऑगस्ट कॉम्टे का सकारात्मकवाद, विज्ञान का पदानुक्रम, तीन चरणों का नियम, हर्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक विकास और सामाजिक डार्विनवाद। ओके, सो दीज आर द टॉपिक इन यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड। अब नेक्स्ट आती है आपकी यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में क्या क्या टॉपिक है, यूनिट थर्ड इमाइल दुर्खिम, सोशल फैक्ट सामाजिक तथ्य, मैकेनिकल सॉलिडारिटी, मैकेनिकल सॉलिडारिटी यांत्रिक एकजुटता। ओके, मैकेनिकल सॉलिडारिटी का मतलब क्या होता है, यांत्रिक एकजुटता एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, जैविक एकजुटता। ओके, एंड लास्ट क्या है आपका, लास्ट है सुसाइड, आत्महत्या। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया यूनिट थर्ड में क्या क्या है। इमाइल दुर्खिम के सामाजिक तथ्य हैं, मैकेनिकल सॉलिडारिटी है मतलब यांत्रिक एकजुटता है, जैविक एकजुटता है और सुसाइड आत्महत्या। ओके, तो ये आपके यूनिट थर्ड के टॉपिक हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट फोर्थ की। यूनिट फोर्थ में कौन कौन से टॉपिक हैं आपके, विल्फ्रेडो पेरेटो, ओके, विल्फ्रेडो पेरेटो एक्शन, विल्फ्रेडो पेरेटो के कार्य हैं इसमें, उनके एक्शन के बारे में बताया गया है, लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शन, तार्किक और गैर तार्किक कार्रवाई, ओके, रेजिडस अवशेष एंड डेरिवेटिव्स, ओके, संजात। मतलब विल्फ्रेडो पेरेटो के कार्य क्या है इसमें, तार्किक और गैर तार्किक कार्रवाई, अवशेष और संजात। ओके, अब आपके आते हैं यूनिट फिफ्थ में। यूनिट फिफ्थ में क्या है, कॉल मार्क्स, डायलेक्टिकल, हिस्टोरिकल, मैटरलिज्म, क्लास स्ट्रगल, थ्योरी ऑफ एलाइनेशन। ओके, मीन्स कॉल मार्क्स, डायलेक्टिकल, हिस्टोरिकल, द्वंद्वात्मक, ऐतिहासिक, भौतिकवाद। ओके, डायलेक्टिकल, हिस्टोरिकल, मैटरलिज्म, द्वंद्वात्मक, ऐतिहासिक, भौतिकवाद। क्लास स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल का मतलब होता है वर्ग संघर्ष, एंड थ्योरी ऑफ एलाइनेशन मीन्स अलगाववाद का सिद्धांत। ओके, जो अलगाव होता है उसका सिद्धांत। ओके, तो आ गए आपके यूनिट फोर्थ और यूनिट फिफ्थ के टॉपिक। ओके, तो इसमें आपको समझ में आ ही गया हुआ कि यूनिट फोर्थ और यूनिट फिफ्थ में हमारे क्या क्या टॉपिक हैं। अब बात करते हैं यूनिट सिक्स की।
अच्छा यूनिट 6 में कौन कौन से टॉपिक हैं आपके? मैक्स वेबर, सोशल एक्शन, पावर एंड अथॉरिटी, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ओके, मैक्स वेबर सामाजिक कार्य, सोशल एक्शन, पावर एंड अथॉरिटी, शक्ति और अधिकार, प्रोटेस्टेंट एथिक्स मींस प्रोटेस्टेंट नैतिकता, एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पूंजीवाद की भावना। ओके, ये आपके आ गए यूनिट 6 में। क्या है यूनिट 6 में? मैक्स वेबर के सामाजिक कार्य, शक्ति और अधिकार, प्रोटेस्टेंट नैतिकता और पूंजीवाद की भावना। ओके, ये आ गया आपका यूनिट 6 के टॉपिक। अब हम आपसे बात करते हैं यूनिट 7 में कौन कौन से टॉपिक हैं। यूनिट 7, जीएच मीड, सिंबॉलिक इंट्रैक्शन, मतलब प्रतीकात्मक बातचीत, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन या फिर प्रतीकात्मक बातचीत। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड मी, इसमें कॉन्सेप्ट किसका है? सेल्फ और मी, मेरा और स्वयं का। ओके, मतलब स्वयं सेल्फ हो गया, मी मेरा हो गया, तो स्वयं और मैं की इसमें अवधारणा दी है। ओके, जिसमें क्या है कॉन्सेप्ट? सेल्फ एंड मी। ओके, तो आ गया आपका ये यूनिट 7। अब हम बात करते हैं आपसे यूनिट 8 के टॉपिक के बारे में। इतना आपको क्लियर होता जा रहा है? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें उन स्टूडेंट के लिए जिनको इस सिलेबस की ज़रूरत है। ओके, जिन्हें अभी तक नहीं पता है अपने सिलेबस के बारे में। हाँ जी, बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 5th के स्टूडेंट जो अभी नहीं जानते हैं कि क्या है उनके सिलेबस में, कौन कौन सी यूनिट्स हैं, कितनी यूनिट्स हैं, क्या टॉपिक हैं, तो आप उन स्टूडेंट को शेयर करिए, हेल्प करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए। अब बात करते हैं यूनिट 8 की। यूनिट 8 के टॉपिक क्या है? टैलकॉट पार्सन्स, एक्शन एंड बिहेवियर, सोशल सिस्टम, पैटर्न वेरिएबल्स, आर के मर्टन, मिडिल रेंज थ्योरी, मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन। ओके, तो इसमें क्या है? जो टॉलकॉट पार्सन्स हैं उनके कार्य और उनके व्यवहार के बारे में बताया। ओके, सोशल सिस्टम सामाजिक कार्य, पैटर्न वेरिएबल्स, पैटर्न चर। सोशल सिस्टम मतलब सामाजिक व्यवस्था और पैटर्न वेरिएबल्स पैटर्न चर। आर के मर्टन, मिडिल रेंज थ्योरी क्या है? इसमें मध्यम श्रेणी का सिद्धांत बताया गया है। मैनिफेस्ट प्रकट किया गया है इसमें क्या, एंड लेटेंट फंक्शन जो गुप्त कार्य हैं उनके बारे में। ओके, तो ये टॉपिक हैं आपके जिसमें क्या है, मध्यम श्रेणी का सिद्धांत, प्रकट एंड गुप्त कार्य। ओके, तो ये आपके आ गए यूनिट 8 के टॉपिक जिसमें कौन कौन से हैं, टॉलकॉट पार्सन्स हैं, एक्शन एंड बिहेवियर उनके कार्य उनके व्यवहार के बारे में बताया गया है, उनके व्यवहार का और कार्य का टॉपिक है, सोशल सिस्टम सामाजिक व्यवस्था, पैटर्न वेरिएबल सम पैटर्न चर, एंड आर के मर्टन की मिडिल रेंज थ्योरी मध्यम श्रेणी का सिद्धांत, मैनिफेस्ट प्रकट एंड लेटेंट फंक्शन गुप्त कार्य। ओके, सो दिस इज इलेक्टिव कोर्स ओपन फॉर ऑल। ओके, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।